जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन राठौड़। हेडक्वार्टर द इन्फेंट्री स्कूल मऊ ने 77 पदों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नेम ऑफ पोस्ट है अकाउंटेंट, कुल पद है 2। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार डिग्री प्राप्त कर चुका हो 1 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। नेम ऑफ पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन, कुल पद है 3। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और ड्राफ्ट्समैन से डिप्लोमा कर चुका हो। नेम ऑफ पोस्ट है लोअर डिविजन क्लर्क, कुल पद है 4। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 12वीं कक्षा पास कर चुका हो और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 WPM रहनी चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 WPM रहनी चाहिए ऑन कंप्यूटर। नेम ऑफ पोस्ट है कारपेंटर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो विथ ITI। नेम ऑफ पोस्ट है ट्रांसलेटर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 12वीं कक्षा पास कर चुका हो और डिप्लोमा के सक्षम हिंदी प्रमाण पत्र हो। नेम ऑफ पोस्ट है स्टोर कीपर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है बुटमेकर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और सभी कैनवास टेक्सटाइल्स के में सक्षम होना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है पेंटर, कुल पद है 2। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो विथ ITI। नेम ऑफ पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुल पद है 2। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो, उम्मीदवार के पास हैवी लाइसेंस हो और 2 साल का अनुभव रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है कुक, कुल पद है 4। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और भारतीय खाना पकाने का ज्ञान हो, व्यापार में प्रवीणता होनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है सुपरवाइजर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो मान्य प्राप्त बोर्ड से। नेम ऑफ पोस्ट है आर्टिस्ट और मॉडल मेकर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और ड्राइंग में सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका हो। फेंडरिंग मैन, कुल पद है 21। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और 1 वर्ष का अनुभव हो। नेम ऑफ पोस्ट है MTS वॉचमैन, कुल पद है 2। नेम ऑफ पोस्ट है MTS चौकीदार, कुल पद है 1। नेम ऑफ पोस्ट है MTS मैनेजर। इन तीनों पदों के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और 1 वर्ष का अनुभव हो। नेम ऑफ पोस्ट है वॉशरमैन, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और सैन्य नागरिक कपड़े धोने में सक्षम होना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है बार्बर, कुल पद है 3। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो, नाई के व्यापार में दक्षता में 7 हो। नेम ऑफ पोस्ट है साइकिल रिपेयर, कुल पद है 1। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10वीं कक्षा पास कर चुका हो और कम से कम 2 साल का अनुभव के साथ अपने व्यापार में पूरी तरह परिचित है। बात करते हैं उम्मीदवार के एज लिमिट के बारे में। लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, बुटमेकर, कुक, ट्रांसलेटर, फटिंग मैन, MTS वॉचमैन, बर्बर, साइकिल रिपेयर, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। अकाउंटेंट, कारपेंटर, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर, बोर्सियर, असिस्टेंट और मॉडल मेकर, पेंटर, सिविलियन मोटर ट्रांसलेटर, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। एज में SC ST उम्मीदवार को 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन तरीके से है। आपके आवेदन दिनांक 12 सितंबर 2021 तक दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। OBC उम्मीदवार को ₹50 का एप्लीकेशन फी है। SC ST उम्मीदवार को कोई आवेदन फी नहीं है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखे आपको IPO DD बनानी होगी। उम्मीदवार अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरे, फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करे। फॉर्म भेजते समय एक एनवलप एक्स्ट्रा भेजना है, इसके ऊपर अपना नाम, एड्रेस, मेल ID, मोबाइल नंबर अच्छे से लिखना है। उसके साथ ₹50 का IPO DD भेजना है। PDF में दिए गए इसी सभी डॉक्यूमेंट जेरोक्स कॉपी भेजे, ओरिजिनल ना भेजे। इसकी भर्ती चयन प्रक्रिया राइटिंग टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, फिजिकल, प्रैक्टिकल, टाइपिंग टेस्ट ETC के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। आप
राइटिंग टेस्ट दो भाषा में दे सकते हो, इंग्लिश एंड हिंदी। इसका एग्जाम कुल 150 मार्क का होगा। इसके लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको टेबल 2 जीएल विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगाम स्टेशन की पदों की जानकारी आप पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार उम्मीदवार जरूर पीडीएफ पढ़ ले, क्योंकि पीडीएफ में पूरी जानकारी है। आपको इसके संदर्भ में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।